In the previous part, we have learned that Bolshevik group was the one state party in the Russia. Now the civil war. When the Bolshevik ordered land redistribution, the Russian army began to break up. अब Bolshevik ने क्या declare कर दिया था कि जो land है वो redistribute हो जाएगी और इसकी वजह से Russian army में क्या होने लगे, breakups होने लगे. Non-Bolshevik socialists, liberals and supporters of autocracy condemned the Bolshevik uprising. अब वो लोग जो Bolshevik के support में नहीं थे वो इन सारी practices को क्या कर रहे थे, condemn कर रहे थे. They were supported by French, American, British and Japanese troops. और इन लोगों को support कहाँ से मिल रहा था, बाकी अदर कंट्रीज़ की ट्रूप्स से. ऑल दीज फॉट अ वॉर विद द Bolshevik. और इन्हीं लोगों, ये लोग किसके अगेंस्ट फाइट कर रहे थे, Bolshevik के अगेंस्ट. तो ये था हमारा सिविल वॉर कि जो नॉन Bolshevik ग्रुप थे वो किसके अगेंस्ट थे, किसको कंडेम कर रहे थे, Bolshevik के डिसीजंस को. मेकिंग अ सोशलिस्ट सोसाइटी. अब रशिया में जो हम सोशलिस्ट की बात जो कर रहे थे, जो एक आइडियोलॉजी जिसको हम इम्प्लाई करना चाहते थे, वो कैसे हुआ. द Bolshevik kept इंडस्ट्रीज एंड बैंक नेशनलाइज ड्यूरिंग द सिविल वॉर. पूरे सिविल वॉर के टाइम पे जितने भी इंडस्ट्रीज और बैंक थे उनको नेशनलाइज रखा गया. रैपिड कंस्ट्रक्शन एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन स्टार्टेड. और धीरे धीरे इंडस्ट्री का जो कंस्ट्रक्शन था वो स्टार्ट किया गया. इतना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया कि विद इन 3 ईयर्स हमने बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ और फैक्ट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर लिया. एन एक्सटेंडेड स्कूलिंग सिस्टम डेवलप. और Bolshevik ने एक और अच्छा काम किया था कि उन्होंने जो स्कूलिंग सिस्टम था उसको एक्सपेंड किया, उसको डेवलप किया. स्टालिन एंड कलेक्टिव फार्मिंग. अब Bolshevik की डेथ होने के बाद कौन नेक्स्ट पार्टी लीडर बना, स्टालिन. स्टालिन बिलीव दैट द रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स स्टॉक सप्लाइज टू क्रिएट शॉर्टेज ऑफ ग्रेन्स. स्टालिन का मानना ये था कि जो रिच पीजेंट्स हैं, यानी पीजेंट्स में भी दो कम्युनिटी थी, रिच और पुअर. जो रिच पुअर्स थे उन्होंने रिच पीजेंट्स जो थे उन्होंने क्या कर रखा है, ग्रेन्स का स्टॉक कर रखा है, अपने पास रख रखा है, ताकि क्या हो, सोसाइटी में क्या आ जाए, मार्केट में शॉर्टेज आ जाए. हैंस कलेक्टिवाइजेशन वॉज द नीड फॉर ऑफ द आर. तो स्टालिन को लगा कि अब कलेक्टिवाइजेशन क्या है, एक नीड है. कलेक्टिवाइजेशन मीन्स कि जितनी भी लैंड है उनको कलेक्टिवली, उन पर कौन काम करेगा, सारे वर्कर्स. दोज फार्मर्स हु रेजिस्टेड कलेक्टिवाइजेशन. अब वो लोग जो स्टालिन के इस डिसीजन से अनहैप्पी थे, कलेक्टिवाइजेशन के अपोज में थे, उन लोगों को पनिश किया गया और उनको वहाँ से बाहर निकाल दिया गया. सो वॉट वॉज द ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ ऑल दिस रशियन रिवोल्यूशन. इन मैनी कंट्रीज कम्युनिस्ट पार्टी वर फॉर्म. अब रशिया की देखते देखते रशिया के तरह ही बाकी कंट्रीज़ में भी क्या होने लगा, कई कम्युनिस्ट पार्टीज़ फॉर्म होने लगी. बाय द टाइम ऑफ द आउटब्रेक ऑफ द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. अब जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का आउटब्रेक होता, उस टाइम तक USSR हैड गिवन सोशलिज्म अ ग्लोबल फेस एंड वर्ल्ड स्टेचर. बहुत लोगों ने इस सोशलिज्म आइडिया को क्या किया, सपोर्ट किया. ग्लोबल लेवल पर सोशलिज्म को सपोर्ट मिल रहा था. बाय द एंड ऑफ 20th सेंचुरी और 19th और 20th सेंचुरी के एंड तक इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द USSR एज अ सोशलिस्ट कंट्री हैड डिक्लाइंड. लेकिन इसके बाद से ही जो USSR की जो पावर थी, रेपुटेशन थी, प्रेस्टीज थी, वो ख़त्म हुई. क्यों? क्योंकि उनको इनसाइड जो कंट्री चल रहा था उसके फैक्ट्स पता लगने लगे और धीरे धीरे इसकी जो पावर्स थी, प्रेस्टीज थी, वो डिक्लाइन हुई. सो दिस इज़ ऑल अबाउट रशियन रिवोल्यूशन एंड सोशलिज्म इन यूरोप. थैंक यू स्टूडेंट्स.